नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली के आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली पहुंची लखनऊ से आई टीम, बदायूं में मलेरिया प्रभावित इलाकों का भी करेगी दौरा। मलेरिया प्रभावित इलाकों का लखनऊ से आई टीम ने दौरा किया और वहां चल रहे अभियान की हकीकत देखी। शिक्षक नेता के स्कूल में 10 मिनट देरी पर पूरे स्टाफ की लगाई अनुपस्थिति, हुआ विवाद। कोलड़िया थाने से लड़की गायब, पिता ने लगाया आरोप। ट्रक चालक की संगीन मौत, लगभग 2 वर्षों से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक ट्रक चालक की कल शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एसपी शैलेश कुमार पांडे ने बागपत से स्थानांतरित होकर बरेली आए नवागत सीओ दिलीप कुमार को सीओ फर्स्ट की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। थाना नवाबगंज पुलिस और बदमाशों में अटंगा योगी पुलिया के पास हुई मुठभेड़। अवैध निर्माण को लेकर किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। फतेहगंज पश्चिमी में स्मैक मंडी में नारकोटिक सेल ने मारा छापा, मची हलचल। स्मैक मंडी के नाम से बदनाम कस्बे में शुक्रवार को दिल्ली नारकोटिक सेल ने चर्चित स्मैक तस्कर शाहिद उर्फ कल्लू के यहां छापा मारा, लेकिन वह पहले से ही फरार हो चुका था। 45 लाख की अफीम के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, आंवला में अंतर्राज्यीय 3 तस्करों को 45 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 1,80,000 रुपए कार और 4 मोबाइल बरामद हुए।